नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी ऑफिशियल आंसर की के बारे में। दोस्तों दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, 3-4 दिन पहले यहाँ पे यूट्यूब पे मतलब कई चैनल वाले ये बोल रहे थे कि 11 जनवरी को ऑफिशियल मतलब यहाँ पे आरआरबी का आंसर की आ जाएगा। तो दोस्तों 11 जनवरी को कोई ऐसा ऑफिशियल डिक्लेरेशन रेलवे की वेबसाइट या रेलवे की किसी भी मतलब अधिकारी की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि 11 जनवरी को आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो दोस्तों ये खबर सारी की सारी फेक खबर है, फेक न्यूज़ है, ये ओनली व्यू और सब्सक्राइबर पाने के लिए है। तो दोस्तों कृपया ऐसी न्यूज़ पर न ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का काम ये होता है एक नई डेट देना और उसके 4-5 दिन बाद में उसी डेट को वापस से कैंसिल करके दूसरी नई एक डेट दे देना। दोस्तों ऐसे चक्रों में ना पड़े, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल आंसर के आने से पहले रेलवे या आरआरबी अनाउंस करेगा ही करेगा, ये मान के चलिए आप। वेल दोस्तों वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था हमारा कि आपको ऐसी अफवाहों से बचाए, मतलब आप सभी को अवेयर कराए कि ये फालतू में 11 जनवरी का जो हल्ला मचा रखा है लोगों ने, ये एक्चुअल में कोई ऑफिशियल नहीं है, ये ओनली यूट्यूब पे फैलाए गए चैनलों के द्वारा मतलब ये फैलाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि रेलवे जब भी ऐसी कोई मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगी, रेलवे आपकी जोन वाइज जिस भी जोन में आते हो वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल लेटर। वेल दोस्तों आगे इस वीडियो में यही कहूँगा कि अगर आप मतलब एक्सपेक्टेड डेट मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन कंफर्म नहीं कहूँगा कि दोस्तों 90% या 100% ये कंफर्म ही हो। हाँ ये मान के चलिए आपकी फरवरी के आसपास यहाँ पे आंसर की रिलीज होगी। दोस्तों इतनी जल्दी कोई आंसर की नहीं आई थी, आप सभी को मालूम है एएलपी के लिए भी आपने कितना वेट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये ग्रुप डी है, एएलपी से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हुए थे इसमें मतलब, तो उस हिसाब से दोस्तों थोड़ा बहुत अभी आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आंसर की इसकी रिलीज होगी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को मालूम है आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं, एएलपी के एग्जाम शुरू होने वाले, तो ऐसे में रेलवे ग्रुप डी की मतलब यहाँ पे ऑफिशियल आंसर कि आने के बहुत कम चांस है, रेयर चांस है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि चांस है ही नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक तथा इस चैनल के साथ भी बने रहिए, जिससे कि आपको समय समय पर इस एग्जाम से रिलेटेड रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई तथा इसके अलावा सारे रेलवे की मतलब जितने भी वैकेंसीज हैं उन सबके बारे में आपको जानकारी समय समय पर और सबसे पहले आपको ऑफिशियल विथ ऑफिशियल लेटर के साथ में आपको दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।